हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल घर का स्वाद में। आज मैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ, जो सर्दियों में बहुत ही पौष्टिक और हेल्दी और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। ये लड्डू आप बना के स्टोर करके रख सकते हैं, आप इसे 15-20 दिन तक का स्टोर करके रख सकते हैं। और इसमें हम ना तो चीनी का यूज करेंगे और ना ही गुड़ का यूज करेंगे, हम इसे शुगर फ्री लड्डू बना के तैयार करेंगे और बहुत ही हेल्दी है। हम इसे बच्चों के लिए, जैसे बच्चों को हेल्दी चीज़ें कुछ देनी है तो हम ये लड्डू बना के रख सकते हैं, और आधा लड्डू सुबह शाम बच्चों के लिए भी ये दे सकते हैं, बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्दी है। चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं ये ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट में लिए हैं हमने अखरोट, पिस्ता, काजू, बादाम और किशमिश। ये सारे ड्राई फ्रूट लिए हैं मैंने। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं आप उन्हें ले सकते हैं। अब हम लेंगे खजूर और अब हम लेंगे मखाने। हमने लिए हैं 1 कप के बराबर मखाने और 1 कप ही लिया है हमने खजूर। खजूर इसमें एक तो मिठास बढ़ाएगा और एक इनको बाइंडिंग देने में अच्छी सी बाइंडिंग आएंगी लड्डू में, और एक ये बहुत ही हेल्दी भी होता है। ये सारी चीज़ें हम पहले रोस्ट करेंगे। पैन में हम 2 चम्मच घी डालते हैं, घी मेल्ट होने देते हैं तो हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, किशमिश और मखाने को छोड़ के। पहले हम इन सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। इसमें कच्चापन नहीं होना चाहिए, हल्का सा 2 मिनट ही पकाना है हमें, ज़्यादा नहीं भूनना इन्हें। 2 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से सिक जाते हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं, प्लेट में हमने निकाल लिए हैं 2 मिनट बाद, तो हम इसमें 1 मिनट के लिए किशमिश को रोस्ट कर लेते हैं। केवल 1 ही मिनट, किशमिश बहुत जल्दी फूल जाती है। हम किशमिश को भी निकाल लेते हैं और हम इसी पैन में अब मखाने डाल देते हैं। मखानों को हम सबसे लास्ट में रोस्ट करेंगे क्योंकि जो घी है वो सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मखाने भी अच्छे से सिक गए हैं, निकाल लेते हैं। अब हम 1 चम्मच घी और डाल के इसमें हम खजूर डाल लेते हैं। खजूर को हम लगातार चलाते हुए बहुत ही अच्छे से मेल्ट करेंगे इसे। ये बहुत ही अच्छे से मेल्ट होगा, जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो एकदम आटे की तरह डो बन जाएगा इसका, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही चिपचिपा हुआ। ये देखिए, हम इसे मैश करते हुए अच्छे से स्पैचुला से दबाते हुए इसे सेकेंगे। ये देखिए, एक कुछ इस तरह का हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट और चिपचिपा। जब हम लड्डू बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बाइंडिंग देगा इस तरह से। ये देखिए, इस तरह का खजूर हमें तैयार करना है। ये बिना सीड्स वाला है, इसमें दाने नहीं है। ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है कहीं किराना स्टोर पे। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे इनको हमने हल्का सा दरदरा कूट लिया है, और मखाने को भी हमने हल्का सा दरदरा ही रखा है। ये देखिए, कोई बड़े बड़े टुकड़े हैं, एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाया है। तो हम इन सारी चीज़ों को अब ये खजूर में डाल देते हैं, मखाने और ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, काजू, किशमिश, जो भी सारे ड्राई फ्रूट्स थे हमने इस खजूर में डाल दिए हैं। अब हम इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे, और आधी छोटी चम्मच हम डाल देते हैं इलायची का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें और टेस्ट भी बहुत अच्छे से आ जाएगा इसका। और हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से, देखिए। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इस टाइम पे ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे एक बड़े से परात में निकाल लेते हैं। हल्का सा ठंडा होगा तो हम इसके लड्डू बनाएंगे। अभी ये बहुत गर्म है, इससे हाथ गर्म हो सकते हैं, इसीलिए हम इसे हल्का सा ठंडा होने के बाद हाथ में घी लगाएंगे हल्का सा और इसके लड्डू बनाएंगे। छोटे बड़े साइज के आप अपने पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी सी साइन आई है और बहुत ही अच्छे से लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, अब हम इसी तरह से फटाफट से सारे लड्डू बना लेते हैं। हम इन लड्डू को स्टोर करके 15-20 दिन तक रख सकते हैं, और हमें ये लड्डू आधा सुबह शाम, आधा शाम ले सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, हम सारे लड्डू एक साथ नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, ये ठंड में हमें ठंड लगने से भी बचा सकते हैं इस तरह से। ये देखिए,
इतने सारे लड्डू बनेंगे इसके, तो जैसे हमने ड्राई फ्रूट्स जो अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जितने भी आपको बनाने हैं उसके हिसाब से आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि नया वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये देखिए।